जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं तुलसीदास जयंती पर तुलसीदास जी की कहानी। तुलसीदास जी की लाश पर किया नदी पार, प्रेत से हुआ सामना, तब राम बोला बने थे संत तुलसीदास। आइए सुनते हैं तुलसीदास की यह कहानी। तुलसीदास जयंती हर साल सावन मास की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास ने जीवन में कई दुख और तकलीफों को देखा और इन्हीं संघर्षों ने इन्हें भगवान राम का भक्त बना दिया और प्रभु राम की कृपा से तुलसीदास जी जनमानस के मार्गदर्शक संत तुलसीदास बन गए और राम बोला से तुलसी कहलाने लगे। तुलसीदास जयंती 23 अगस्त 2023 दिन बुधवार को मनाई जा रही है। रामचरितमानस के रचयिता और महर्षि वाल्मीकि के अवतार कहे जाने वाले तुलसीदास जी का जन्म दिन हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। बताया जाता है कि जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुख से राम नाम का शब्द निकला था, इसलिए उनका नाम राम बोला रख दिया गया था। तथ्यों के अनुसार तुलसीदास जी सरयूपार ब्राह्मणी थे और गोसाई समाज से उनका संबंध था। होई है सोई जी राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। भगवान राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन भक्ति साधना में व्यतीत कर दिया था, लेकिन राम भक्त बनने से पहले कैसा था तुलसीदास जी का जीवन, तुलसीदास जी जयंती पर आइए जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी खास बातें। तुलसीदास जी के जन्म के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और बचपन में ही परिवार की वजह से कुछ खास नहीं था। जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो उनको परिवार मिल गया और वह अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कब आसक्ति बन गया उनको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। राम भक्त बनने से पहले तुलसीदास जी राम बोला था और एक साधारण व्यक्ति थे। बताया जाता है कि शादी के बाद राम बोला की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका मन नहीं लगा और वह रात में ही बिना कुछ सोचे समझे उपनती नदी को एक सौ को पकड़कर पार की। नदी पार करने के बाद वह ससुराल पहुंचे तो देखा कि ससुराल का दरवाजा बंद था, लेकिन उनसे इंतजार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलन की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाजा भी रामबोला को रोक नहीं पाया। रामबोला ने ससुराल में अपने पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार फाड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी उन्होंने खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई देखी और वह उसको ही पकड़कर दीवार पार कर गए। रामबोला ने जिसको रस्सी समझा था, दरअसल वह एक सांप था जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिरकार रामबोला अपने पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। कक्ष में पहुंचने के बाद रामबोला से उनकी पत्नी काफी क्रोधित हो गई। उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान कर रहा था कि वह अपने परिवार वालों से क्या कहें कि उनका पति द्वारा बजाय दीवार पार कर कच्छ में पहुंच गया है। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वह क्रोधित हो गए। क्रोध में पत्नी ने रामबोला से कहा कि लाज न आई आपको, दौरे आयहु नाथ, अस्थि चर्म में दे यह तासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम से तो काहे भवो भी,
अर्थात मेरी हार मास की देह से प्रेम करने की बजाय अगर राम नाम से इतना प्रेम किया होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी की कही ये बात से राम बोला का अंतर्मन जाग उठा और वे तुरंत पत्नी के कद से निकल गए और राम नाम की खोज में निकल पड़े। पत्नी की क्रोध में कही गई बातों से राम बोला तुलसीदास बन गए और अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ही राम बोलने वाले तुलसीदास जी ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की और वह इस रचना के साथ ही अमर हो गए। हालांकि उन्होंने रामचरितमानस के साथ 12 और पुस्तकों की रचना की थी। आज भी जहां रामायण रामकथा या सुंदरकांड का पाठ होता है तो वहां तुलसीदास की दोहे चौपाई छंदों और रचना के बिना पूजा पूरी नहीं होती है। बताया जाता है कि एक बार जब तुलसीदास जी भगवान राम की खोज कर रहे थे तब उनका सामना एक पेड़ पर रहने वाले प्रेत से हुआ। दरअसल एक पेड़ बहुत सूख रहा था और तुलसीदास जी ने उस पेड़ को पानी दिया तो वह फिर से हरा भरा हो गया। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था जिसने उनको हनुमान जी से मिलने का उपाय बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी को खोजते हुए उनके पास पहुंच गए और राम दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी ने चित्रकूट में राम घाट पर घोड़े पर सवार राम और लक्ष्मण के दर्शन करवाए। तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन राम व्यतीत किया और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज भी उठाई। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने अपनी सभी रचनाएं अवधि और ब्रज भाषा में लिखी हैं। तुलसीदास जी को ही रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना गया है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अलावा हनुमान चालीसा, वरवी रामायण, जानकी मंगल, गीतावली आदि रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।